तो 22 साल की उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? किसी को छेड़ा था, उसने टांगे तोड़ दी। कुछ कहना चाहोगे? मैं ना गूंगा हूँ, मैं बोलता कहाँ, शादीशुदा आदमी हूँ, संडे की छुट्टी रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता? नहीं मैं नहीं रखूंगा, फिर तो कोई और रख लेगा। थोड़ा सा शौक रखते हैं महंगी चीजें देखने का। अपनी 2.5 लाख वाली चटनी के लिए, ठीक है। ये रहे अपने अंकल जी सामने, ये देखो कैसे हो अंकल जी। जैसे आंटी रखे जैसे आंटी रखे मेरी मर्जी थोड़ी ना चलती है। अच्छा आपकी नहीं चलती, मैंने तो सुना आप ही की मर्जी चलती है। मतलब ही नहीं, आज तक वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया। तो वैसे वो एक बार चटनी दिखा दो 2.5 लाख वाली। पैसे लाया नहीं? पैसे तो नहीं लाया, फिर क्या करेगा, देखिए प्लीज दिखा तो दो कम से कम। गरीब आदमी क्या फायदा। अरे यार एक बार रिक्वेस्ट प्लीज। वो महंगी महंगी चीजें देखने का शौक है ना गरीब आदमियों को, वही वाला सीन है बस। थोड़ा सा शौक रखते हैं महंगी चीजें देखने का। अच्छा देखना जूही चावला तो है। तो भाई देख रहे हो आप, हंसते खेलते खिलाते हैं भाई। ये भेलपूड़ी क्या क्या चीजें बनाते हो अंकल जी? हम तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा बेवकूफ के अलावा और क्या क्या चीजें बना लेते? बेवकूफ भी बना देते हैं। ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया। मिर्ची बेटे तो ये कौन से वाला बेवकूफ बना रहे हो? ये सेव पूरी। ये सेव पूरी वाला बेवकूफ बना रहे हो? ये लो भाई, भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो फेमस है अंकल जी की। ये क्या बना रहे हो अंकल जी? ये बेलपुड़ी। ये बेलपुड़ी बन रहे है। क्या क्या चीजें आ गई बताते जाओ। मुरमुरा आ गया, ये पापड़ी आ गई। मुरमुरा और ये पापड़ी आ गई भाई, देख लो। उसके बाद क्या है? सेवियां आ गई। ये भाई सेवियां आ गई, चेक कर लो। ये जरा लड़की को 30 रुपए दे दो। हाँ दे दो आराम से, कोई बात नहीं। ये सेवियां आ गई भाई। ये बूंदी आ गई भाई, अब बूंदी आ गई देख लो भाई। मूंगफली भी आ गई, मतलब महंगी महंगी चीजें डाल रहे सारी। धनिया आ गया भाई, ये देखो ये नासिक का प्याज आ गया। अच्छा नासिक का प्याज। हाँ ये रवानी का आलू आ गया, हमारा मन पसंद आलू है। ओए होए होए, ये साल में सिर्फ 10 महीने मिलता है। सिर्फ 10 महीने मिलता है ये? अभी मार्च में शुरू हुआ है। हाँ और ये ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक मिलेगा। अच्छा ये दिसंबर जनवरी फरवरी। अच्छा अच्छा मेन जनवरी फरवरी चला जाता है। अच्छा अच्छा मेन अंकल जी एक सच बात बताऊं, मैं आपके पास किस लिए आता हूं? सिर्फ आपके जो हंसता खेलता था नेचर है ना, उसे देखने के लिए। मजा आता है। ये कौन सी चटनी आ गई? ये तूफान मेल। ये आप बनाते हो? हाँ। और ये मीठी, ये आंटी बनाती है। आंटी बनाती है, मीठी डाल दिए। थैंक यू। तो भाई थोड़ी सी भीड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे यहाँ पे आके, वो देखो भाई हेलो भी कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पे आते हुए? एक साल हो गया। अरे वाह। अच्छा हाँ जी इधर आ जाते हैं। ये लो भाई देखो, पिछली बार जब मैं आया था अंकल जी उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी मैं, और आज क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ ये देखो भाई, अंकल जी एक मेरी जो मनचाही इच्छा है वो तो पूरी कर दो। बोल। वही वाली 2.5 लाख वाली चटनी। अरे दादी तो है अभी। अच्छा एक बार दिखा तो दो फिर से। ये तीखी है। ये भी 2.5 लाख की है? ये मीठी है। अच्छा ये भी 2.5 लाख की है? ओहो हो 2.5 लाख की मेरी ट्यूशन है। 2.5 लाख की ट्यूशन है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगली बार फिर चेक लेके आऊं? चेक बैंक से काम नहीं करता मैं। क्यों? ओनली कैश। अब ब्लैक मनी हम रखते नहीं भाई। टोटल ब्लैक मनी। बट हम तो रखते नहीं ब्लैक मनी, क्या करें। अरे तसल्ली दे यार। अरे तसल्ली कर दो यार अंकल जी को। तसल्ली खत्म हो जाए तो दो बना देना हमारे भी। दो का पैसे काट देना। 8 दीजिए। ये भेलपूड़ी बन रही है।
तो वैसे पाजी क्या क्या चीजें खाते हो यहाँ पे? सेव पूरी खाते हो? अच्छा, तो कितना आपको वैसे सच में कितना टाइम हो गया? एक दो महीने हो गए हैं। अच्छा, कैसा लगता है टेस्ट? अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़िया। तो अंकल जी तो अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं और साथ में 2.5 लाख वाली चटनी के लिए। ये लो भाई, भाई हेलो कर दो, हेलो कर दो। अंकल जी कुछ अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो, टाइमिंग ही बता दो काट के। एक से साढ़े सात तक। एक से साढ़े सात तक, ठीक है। और कोई कोई दिन ऑफ भी रखते हो, बंद भी रखते हो? अच्छा, एक शेवपुरी एक भेलपुरी, 120 नहीं बेटा। तो भाई आप सामने देख ही सकते हो अंकल जी कितने ज्यादा बिजी हैं इस टाइम पे, ठीक है। हमें उनको परेशान करने की बिल्कुल भी वो नहीं थी, लेकिन लेकिन फिर भी अंकल जी क्या कहते हैं, किसी दिन ऑफ भी रखते हो? शादीशुदा आदमी हूँ, संडे की छुट्टी रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता? नहीं मैं नहीं रखूंगा, फिर तो कोई और रख लेगा। ओ भाई, ये देखो भाई, ये 2.5 लाख वाली चटनी आ गई। जिसके मतलब कैसे बनाते हैं इसको ये बताने के, अंकल जी 2.5 लाख लेते हैं, ठीक है। क्या अंकल जी 2.5 लाख लेते हो ना? पक्का पूरे? थोड़ा से कम कर दोगे? नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, उसमें कोई लस नहीं है। अच्छा उसमें नहीं है, उसमें। अच्छा कितने महीने की ट्यूशन है ये तो बता दो। एक घंटे का। बस एक घंटे की ट्यूशन के 2.5 लाख रुपए? ओ भाई साहब, तो देख रहे हो भाई, एक घंटे की ट्यूशन के 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं अंकल जी। पर कमबख्त किसी ने आज तक दिए नहीं। दिए नहीं, कोई बात नहीं, हम अगली बार लेके आएंगे चेक। नहीं चेक नहीं, बैंक से। अंकल जी मैं कैश में डील नहीं करता। नहीं मैं कैश में डील करता। चलो भाई, करनी है तुमने सोना करनी है। अच्छा अच्छा, बट मेरे पास तो है नहीं ना इतना कैश। अरेंज कर यार। चलो करता हूँ मैं अरेंज, कोई बात नहीं। तो भाई अंकल जी को देखो भाई, अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख लो भाई, भीड़ चेकआउट कर लो, ठीक है। काम करो, आए दिन बैंक फेल हो रहे। सही बात है। पैसा क्या? तो सारा पैसा पैसा घर पे रख के बैठ रहे। सारा बीवी के चरणों में। बीवी के चरणों में, ओ भाई। तो भाई मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि अंकल जी की नेचर जो है सबसे ज्यादा प्यारी है, ठीक है। तो नेचर के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा प्राइस बता दो एक बार। भेलपुरी के 50 रुपए, शेवपुरी के 70 रुपए। अच्छा तो भाई प्राइसेस भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, और देखो भाई भर भर के देते हैं सबको। ये देखो सामने देख ही सकते हो क्वांटिटी आप। अमूल मक्खन डाल देंगे। ओ भाई। ये देखो भाई, तो यही ठीक था। हेलो, एक मिनट दे दो। कितनी थी? 3 लाख। पर अंकल ज्यादा सही लगता है। नहीं भैया ठीक है। क्यों? लेडीज फर्स्ट यार। लेडीज ने पे 3 हो गए ना। दे दे ना जरा समझ। एक दो और किधर की स्थिति हो गई? ये सिंगल भेलपुरी। तो भैया जी ये अंकल जी वाला क्या सीन है ये तो बता दो यार। कभी सपनों में भी जी लेने दिया करो। अच्छा अच्छा, हकीकत में तो दिल ही टूटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सपनों में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो वैसे एज क्या है आपकी? एज 22 साल। क्या 22 ईयर यार, मैं भी 22 साल का हूँ। नहीं तू ज्यादा बड़ा लग रहा मुझे। अच्छा अच्छा, तो भाई सामने आप देख ही सकते हो अंकल जी की नेचर, जिसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये देखो भाई, और माल जो है वो क्वालिटी वाला यूज होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सामने देखो भाई, ये तीसरी बार बना रहे अंकल जी, उसी टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, और आप लोगों का साथ रहेगा तो अंकल जी और भी ज़्यादा बिजी रहेंगे। क्यों अंकल जी? चलो भाई, तो जल्दी से अपनी भी लगवाते हैं, ठीक है। ये तो कितनी बार आपको दिखा दी, जल्दी से लगवाते हैं अपनी भी भेलपूड़ी और टेस्ट करते हैं। वैसे भाई मैं टेस्ट करने के लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार टेस्ट कर रखी है, और मेरे को पता है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है अंकल जी की, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ये देखो ये आ गई भाई भेल पूड़ी अंकल जी की। तो अंकल जी जल्दी इसको टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। कुछ कहना चाहोगे? मैं ना गूंगा हूँ मैं।
बोलता कहाँ हूँ। अच्छा चलो भाई बहुत हो गई बातें, जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं, फिर इसका रिव्यू तो आज आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाई ऐसी चीजों का रिव्यू नहीं देते हम जो भाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा लाजवाब होती हैं। ठीक है आओ भाई, यहाँ देखो ये आ गई भेलपूड़ी अपनी। ठीक है और भाई कितनी ऊपर तक भर रखी है आप खुद ही देख सकते हो। ये देखो भाई ये है यहाँ तक इनकी जो ये प्लेट है वो यहाँ तक है और ऊपर तक देखो कितनी ज्यादा भर रखी है। और ये मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज के अंदर। ठीक है जल्दी इसको टेस्ट करते हैं और इसका रिव्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये ऑलरेडी। तो भाई अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आते हो और भाई ये भेलपूड़ी नहीं खा के जाते तो भाई आपने कुछ नहीं खाया आज तक, क्योंकि इतनी चटपटी इतनी अमेजिंग भेलपूड़ी जो हल्द्वानी के आलू बोले थे जो प्याज बोले थे हर चीज़ भाई अलग डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट भी अमेजिंग आ रहा है। तो भाई ये आ गए अपने घनश्याम फूडी। ठीक है भाई राधे राधे मेरे दोस्त। राधे राधे जी राधे राधे। तो भाई सामने देख लो भाई इनके हाथ में पकड़ा दिए चाट। आज भेलपूड़ी खाने का मस्त एकदम, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गुजर रहा था और गौरव को मैंने देखा तो मैंने फटाक देनी सी गाड़ी रोक ली सबसे पहले। तो मैंने कहा गौरव तो भेलपूड़ी खिलाई जा रही है आज, तो भेलपूड़ी की टेस्टिंग कर लेते हैं फिर है ना चटपटी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुरकुरापन आ रहा है, क्रिस्पीपन जो आता है ना भेलपूड़ी के अंदर वो पूरा प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि चटनी डालने के बाद वो घुल गया हो, ये फिर चटनी मसा मसा सा हो गया हो, लेकिन जो टेस्ट आ रहा है ना वो अमेजिंग टेस्ट है, अमेजिंग टेस्ट। मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं भेलपूड़ी तो बहुत खाई है मैंने अंकल जी की याद की भेलपूड़ी। अंकल तो बोलो मत, भैया बोलो इनको सबसे पहले तो भैया बोलो क्योंकि अंकल जी हो जाते हैं नाराज। हैं अंकल जी, अगर आपको अंकल बोले तो नाराज हो जाते हो? थोड़ा सा तो हो ही जाता है। दिल को बुरा लगता है यार, बहुत बुरा तो बहुत होगा। ऐसा क्यों? वो मैं वहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, ये वो क्या है? वो धनिया। धनिया नहीं, अरे उसके साइड में क्रेट के साइड में। हाँ क्या है ये? ये मेरी जीवन संगनी। जीवन संगनी, इसके बिना मैं चल नहीं पाता। तो 22 साल की उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? किसी को छेड़ा था उसने टांगे तोड़ दी। अरे अंकल जी भाई एक बात बताऊं, अमेजिंग है अंकल, अमेजिंग सीरियसली बहुत बढ़िया। तो भाई हाँ यहाँ पे टेस्ट तो करोगे ही करोगे, इनकी बातों ने जितना मन मोह लिया ना मजा आ गया मेरे को। हाँ भाई सारी टेंशन जो है वो भूल जाओगे जब अंकल जी के पास आओगे। ठीक है तो भाई ये तो बार बार दिखाऊंगा 2.5 लाख रुपए की चटनी जो मैं खरीद नहीं पा रहा। ठीक है लेकिन खरीद लेता शायद अगर पैसे होते तो। अंकल जी क्या हुआ? तो 10 रुपए कम दे दियो यार। अरे यार कितना बड़ा डिस्काउंट कर दिया मेरे लिए आपने। ओहो मैं तो धन भाग हो गया। चाय आ जाती है। ओहो तो भाई मैं धन भाग हो गया, अंकल जी ने मेरे लिए 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया भाई। टेस्ट अमेजिंग, पूरे यूट्यूब पे किसी के लिए डिस्काउंट नहीं किया, अंकल जी ने मेरे लिए डिस्काउंट कर दिया। बिल्कुल अभी दे रहा हूँ। चलो भाई तो भाई जल्दी से इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। लेकिन जाते जाते भाई इनको जरा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है घनश्याम फूडी को भी सब्सक्राइब कर देना, उनका जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो जल्दी से पहले खत्म करें इसको। बिल्कुल खत्म करते हैं फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। रिजर्व स्टॉक, अच्छा तो भाई रिजर्व स्टॉक शुरू हो चुका है इनका। ठीक है तो अभी टाइम क्या हो रहा है वैसे? मैंने कभी घड़ी देखी नहीं। कुछ टाइम बताना। 2:30 बज रहे हैं। ठीक है और मतलब सिर्फ 2.5 घंटे और रहेंगे अंकल जी, रखी हुई है अपने अपने कार्ट पे। अंकल जी हमें कुछ साथ लेके गया कुछ। सही बात है। आ गई भाई 2.5 लाख रुपए की चटनी। अंकल किसी दिन डाका पड़ जाएगा आपके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये रिफिल कर रहे हैं चक्की। डाकुओं ने भी रोटी खानी, उन्होंने भी बच्चे पाले। डाकुओं ने भी रोटी खानी। ओ भाई अंकल जी की जो सोच है ना भाई अमेजिंग। अंकल जी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आज की वीडियो में। जाते जाते अंकल जी से थोड़ी सी गुफ्तगू करते जाते हैं। अंकल जी एक बार स्माइल करके दिखा दो बड़े से। शादीशुदा आदमी हूँ, कहाँ से स्माइल कर दूँ? शादीशुदा आदमी स्माइल आती है? अरे भाई नहीं नहीं फिर भी थोड़ी सी तो करके दिखा दो। कहाँ से निकालूं? अंकल आंटी भी देखेगी ये वीडियो, फिर आंटी बोलेगी स्माइल नहीं कर रहा। वो देख लिया तो उसने फिर मुझे रुलाना शुरू कर देगी। ओ भाई साहब। तो भाई यही था आज की वीडियो के अंदर, बहुत मजा आया आपके साथ। ठीक है तो फिर से मिलते हैं आपसे। वैसे मैं जब भी यहाँ पे यहीं पे रहता हूँ तो जब भी आऊंगा तो भेलपूड़ी टेस्ट करता रहूंगा। ठीक है बाकी भाई यही था आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।